सेंट्रल लाइब्रेरी में कौन पढ़ता है? जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूरी करता है, उसके जिसका जिसका जिस जो गरीब किसान मजदूर का बेटा है, वैसे बेटा बेटी लोग जो है कि सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं, और उसका हत्या है, हत्या। इसलिए इस्तीफा देना पड़ेगा कुलपति को, और उसको जेल भेजना होगा यहाँ का प्रशासन को। विश्वविद्यालय चलाएगा ये वीसी, एक छत मरम्मत नहीं करा पाया है। इसे ऐसा वीसी नहीं चाहिए, उसके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी देना पड़ेगा, अन्यथा पूरे विभिन्न जिलों से अभी छात्र यहाँ आएंगे। की जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उसको भी यहां लाकर वीसी के खिलाफ आंदोलन शुरू होगा। आप देख सकते हैं छात्रों का गुस्सा किस तरीके से है, और विश्वविद्यालय का रखरखाव, विश्वविद्यालय ने जिस तरीके से लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी के रखरखाव पर काम किया है आज तक, उस पर भी अब एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। इस वक्त हम राजधानी रांची के सेंट्रल लाइब्रेरी के बिल्कुल ठीक खड़े हैं, और इस वक्त सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर छात्रों का एक जुटान हुआ है। मामला क्या है पहले ये समझते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी में मंतेश एक व्यक्ति थे, एक लड़के थे जो पढ़ने आते थे, रोज़ यहाँ पढ़ाई करते थे, कई किलोमीटर साइकिल से वो अपनी यात्रा पूरी कर यहाँ पढ़ने आते थे, लेकिन आज सेंट्रल लाइब्रेरी का एक हिस्सा टूटकर उनके सर पर गिरा, जिसके वजह से मंतोष की मौत हो गई है, और इसी को लेकर आज छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त ये महज थोड़ी देर पहले की घटना है, आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा आंदोलन चल रहा है। हम छात्र नेताओं से भी बातचीत करेंगे। अब आगे क्या, जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, इसको लेकर आप लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, आप लोग लगातार सड़कों पर बैठे हैं, मांग क्या? बात करिए। मंतोष वेदिया, जिसका कुलपति, यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन के लापरवाही के वजह से जो छत गिरा, जिससे उनका निधन हो गया, यह निधन नहीं है, विश्वविद्यालय की तरफ से एक तरह से मर्डर है जी। और मंतोष वेदिया पढ़ने में होनहार था, और आज के छात्र कल के भविष्य, देश के भी और राज्य के भी। और यह जो घटना घटा, बार बार लिखित रूप से संज्ञान देने के बावजूद भी विश्वविद्यालय उसको संज्ञान में नहीं लिया, बार बार जर्जर स्थिति अवगत कराने के बावजूद भी, उसके बावजूद भी संज्ञान में नहीं लिया। आज इतना बड़ा घटना घटा, यह राज्य को कलंकित किया है, इसलिए तत्काल DC साहब आए और यहाँ का निरीक्षण करें, और जो भी दोषी अधिकारी है उसको कानूनी कार्रवाई करे, और यहाँ के जो कुलपति हैं वो एक छत नहीं बचा सकते तो यूनिवर्सिटी नहीं चला सकते, वो नैतिकता के आधार पे तत्काल वो इस्तीफा दे, और जो माँ बाप का सहारा था, जो विश्वविद्यालय ने छीना, उस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया जाए, और जो भी दोषी अधिकारी के वजह से इतना बड़ा घटना घटा उस पर कानूनी कार्रवाई हो, और यहाँ के VC इस्तीफा दें, और VC को जेल भेजा जाए, और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी, अभी हम लोग रजिस्ट्रार साहब को हम लोग बैठाए हैं साथ में, VC को भी बैठाएंगे, सबको बैठाएंगे, अभी डेड बॉडी लेके आएंगे, और यह अनिश्चितकालीन हम लोग यहाँ बने रहेंगे, अभी डेड बॉडी को लेके आएंगे। मंतोष जैसे कई लड़के हैं जो लगातार यहाँ पर आते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं, कई परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, ऐसे में तो खतरा उन तमाम लड़कों पर है जो लगातार पिछले कई सालों से यहाँ आते रहे हैं, ऐसे में ये आज मंतोष की मौत हुई है, जाहिर है कि ऐसे में ये घटना और भी आगे हो सकती है अगर इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, अगर बिल्डिंग का जांच। बिल्कुल जान को जोखिम में डाल करके ये सभी जितने हजारों छात्र जो है कि आज जान को जोखिम में डाल करके यहाँ अपना भविष्य को संवारने के लिए रिस्क लेकर के पढ़ाई करने आते हैं, तो मुआवजा नहीं मिलेगा, मजाक बना के रखा है क्या? राज को कलंकित करने की घटना है, हजार बार अवगत कराए हैं यहाँ का जर्जर स्थिति पर, एक मरम्मत नहीं हुआ, विश्वविद्यालय चलाएगा ये VC, एक छत मरम्मत नहीं करा पाया है। इसे ऐसा VC नहीं चाहिए, उसके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी देना पड़ेगा, अन्यथा पूरे विभिन्न जिलों से अभी छात्र यहाँ आएंगे। अभी आह्वान कर रहे हैं हम, जितने भी छात्र हैं पूरे झारखंड प्रदेश के, चाहे हजारीबाग के छात्र हो, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद के छात्र हो, रात होते 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 सब पहुंचेंगे, और लाखों लाख के छात्र यहाँ पे जुटेंगे धीरे धीरे। मंतोष की मौत हो गई है, और इसके बाद क्या विश्वविद्यालय की तरफ से किसी ने भी आपसे बातचीत करने की जरूरी समझी है? इसके साथ साथ क्या सरकार की तरफ से आप लोगों के पास कोई आया? सकारात्मक वार्ता किसी से नहीं हुआ है, अभी रजिस्ट्रार सर आए हुए हैं, लेकिन वार्ता सकारात्मक हुई नहीं है अभी तक।
रजिस्ट्रार सर यहाँ पे हैं, सर आपसे भी सवाल है, इतनी बड़ी घटना सर कैसे हुई है? जाहिर तौर पर जब इतने लड़के पढ़ने आते हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज यहाँ पर दिन रात लोग पढ़ाई करते हैं, एक तो नौकरी की समस्या है, दूसरी नौकरी की तैयारी जब लोग करते हैं तो ये समस्या है, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये हम लोग विश्वविद्यालय पूरा परिवार बहुत दुखित है घटना से, तो आगे इस तरह घटना नहीं घटे उसके लिए हम लोग सभी सजग रहेंगे ताकि दोबारा इस तरह घटना नहीं घटे। निश्चित रूप से बहुत दुखदायी घटना है हम लोग रांची विश्वविद्यालय के लिए। क्या विश्वविद्यालय अपनी तरफ से ये अपनी गलती को स्वीकार करता है कि बिल्डिंग की रखरखाव में बहुत बड़ी खामियां हैं विश्वविद्यालय की तरफ से? हम लोग देख रहे हैं जहाँ जहाँ इस तरह की मतलब जर्जर है वहाँ हम लोग रिपेयर करा भी रहे हैं और फिर हम लोग रिव्यू कराएंगे, जहाँ इस तरह की बिल्डिंग जर्जर हो उसको तुरंत हम लोग अविलंब रिपेयर कराएंगे ताकि घटना इस तरह दोबारा नहीं हो। ये देख सकते हैं पूरा एक जमावड़ा है छात्रों का, और छात्र जो है वो देख किस तरीके से आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं, उनके खिलाफ छात्र जो हैं वो अब आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरीके से हाथ में पुतला लिए और विश्वविद्यालय के वीसी के खिलाफ लगातार वे आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि विश्वविद्यालय के वीसी को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए, मंतोष की जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उसको भी यहाँ लाकर वीसी के खिलाफ आंदोलन शुरू होगा। आप देख सकते हैं छात्रों का गुस्सा किस तरीके से है, और विश्वविद्यालय का रखरखाव, विश्वविद्यालय ने जिस तरीके से लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी के रखरखाव पर काम किया है आज तक, उस पर भी अब एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्रों का आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। मंतोष की मौत हुई है और मंतोष की मौत के खिलाफ छात्र अब उग्र होते दिख रहे हैं, ये पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।